हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पास आज ये मशीन आई है जो कि है सोनेक्स कंपनी की, क्योंकि सोनेक्स कंपनी की है और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कस्टमर दुकान पे हमारी मशीन लेकर के आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर में ये मशीन में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी इसको हम ऑन करेंगे, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे और हमने देखिए ऑन कर दिया और हमारी ये मशीन चालू हो गई है और हम देखते हैं इसमें आखिर में कि प्रॉब्लम क्या है। मशीन तो ऑन हो गई है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। ये इसका एक्सीलेटर है, पैडल, इसको पैडल भी बोल सकते हैं और एक्सीलेटर भी बोलते हैं। इसको लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में, कोई इसको एक्सीलेटर बोलता है, कोई इसको पैडल बोलता है, तो आप जो भी बोलते हो। तो चलिए इसको दबाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। इसको हमने दबाया, ये एक्सीलेटर है, इसको दबाया, देखिए इसमें क्या लिखा है, E1। तो इस मशीन में E1 की प्रॉब्लम है। सोनेक्स कंपनी की मशीन है जो कि इस मशीन में पैडल दबाने पे E1 शो हो रहा है। हम आज इसे देखेंगे कि आखिर इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस मशीन को खोलते हैं, इसको बंद करते हैं पहले। और ये हमारे मोटर रखी है, इसको थोड़ा सा मोटर को साइड कर देंगे। इसको यहाँ से इसका पहिया, पहले इसका पहिया खोलते हैं जो कि 2.5 की हो सकता है, 3 की अगले आगे देख रहे हैं। वो भी ये एल की 2.5 नंबर की एल की, देखिए ये आपको देखिए 2.5 नंबर की एल की है, दिख रही होगी आपको, लाइट जला देता हूँ उसकी मैं। ये 2.5 की एल की है, इससे खोलना है आपको, ठीक है। हमको इसका पेन खोलना है, ऐसे दिया हमने। देखिए ये हमारा खुल चुका है, इसमें कितना सारा कचड़ा भरा हुआ है, इसको निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं इसको। तो हमने इसको साफ कर दिया, ठीक है, साफ हो गया। धागा देखिए, धागा कितना भरा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, इसमें धागा बहुत भरा हुआ है। देखो मशीन दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे धागा भरा हुआ है और हमने ऐसे कर दिया, देखिए धागा ये भरा है। इसका पहले धागा निकाल देते हैं, धागा हमने इसका साफ कर दिया, ठीक है। पेच देखते इसमें कौन से पेच लगे हुए हैं, सब पेचकस के पेच शायद लगे हैं, पेचकस के पेच लगे, पेचकस से खोलेंगे। Yeah.
सारे पेज हमें ऐसे खोलना है। देखिए हमने इसको खोल लिया है और इसको खोलने के बाद में देखिए इसके कनेक्टर होंगे, ये कनेक्टर दिख रहे होंगे आपको कनेक्टर, ये इसको निकालना है ऐसे करके दबा के निकालना है, इसको दबा के ऐसे करके निकालना है और इसको भी निकालना है। ये कनेक्टर निकाल दो आप, ये वाला ये पैडल का है और इसको अच्छे से निकालना है, इसको भी दबा के ही निकालना। देखिए देखिए मैं निकाल रहा हूँ, ये दबा के निकालना है। ये हमने का बॉक्स खोल लिया है, इसका बॉक्स खोलने के बाद में इसको मशीन हमने सही से रख देते हैं, अभी बॉक्स में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वाला बॉक्स हमने लिया है और इसके बाद में अभी चलिए को सही करते हैं। दोस्तों हमने इसका कंट्रोल बॉक्स खोल लिया है और इसे अब देखते हैं कि आखिर में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे पेज हमें अभी खोलना है, इसके इसको बाहर निकालना है, खोल के इसको बाहर निकाल। देखिए कौन कौन से पेज खोलेंगे इसके, एक तो ये पेज खुलेगा। ठीक है, ये पेज खोल लिया हमने, इसको ऐसे रख दिया और एक पेज हमने देखिए ये वाला खोलते हैं और एक पेज ये वाला भी खुलेगा। एक ये वाला खुलेगा, ठीक है, बाद में एक ये वाला नहीं खुलेगा, ये वाला खुलेगा। देखिए ये वाला ऐसे करके इसको बाहर निकाल लेना है, इसके इसके कार्ड को हमें बाहर निकालना है और इसके कनेक्टर, ये डिस्प्ले का वायर है, ये डिस्प्ले को लगिए, इसको साफ कर देते हैं अच्छे से। इसको उससे साफ कर दिया और इसके बाद में इसको यहाँ से इसका वायर निकालते हैं और वायर निकालने के बाद में ये जो कनेक्टर है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे एसी वोल्टेज आता है, इसको हमें निकालना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक ये कसा हुआ है, नट कसा हुआ है और तो इसको हम नट निकालेंगे, तो प्लास से आप खोल सकते हैं जो भी आपके पास हो। अगर आपके पास चाबी हो तो आप चाबी से खोल लीजिएगा, अगर आपके पास प्लास हो तो आप प्लास से भी खोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने देखिए खोल लिया है। ध्यान से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पे मतलब जहाँ पे खोलिएगा ना, जहाँ से खोलिएगा पेंच वहीं पे लगाइएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको किया, ये आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमें सबसे पहले देखना है कि कहीं कोई चीज़ जली या कोई चीज़ ब्लास्ट तो नहीं है। दोस्तों हमें कोई चीज़ जली हुई नहीं दिख रही है, वैसे सारी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। तो हम अब इसको खोलेंगे, इसके सारे पेंच ये और खोल दो, इसके सभी पेंच इसके खोल देते हैं, फिर देखते हैं आखिर में क्या प्रॉब्लम है। इसको खोल दिया हमने और इसको भी खोल दिया,
मतलब इसको इससे अलग करना है, ठीक है, इसको इस प्लेट को अलग करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। इसे प्लास से पकड़ सकते हैं, जैसे तो ऐसे खुल गया, और इस वाले को देखते हैं प्लास से पकड़ने पे खुलेगा या फिर ऐसे ही खुलेगा। खुल गया ऐसे ही इस भी, और खुलने के बाद में देखते हैं कौन ये वाला पेंच है। सबसे पहले हम इसकी IGBT चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर हमने कर लिया और इसको बाद में इसे चेक करेंगे। दोस्तों हम इसकी एक IGBT चेंज करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसकी एक IGBT हम लोग बदल करके देखते हैं। IGBT होगी खराब होगी शायद, IGBT सिर्फ खराब होगी। तो हम इसकी IGBT निकालने वाले हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें देखिए वीडियो तो सभी लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही लोग देखते हैं वीडियो को, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट लोग हैं या फिर जो जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है इस काम के बारे में, वो लोग भी सीखें और इसको करें। इसलिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो दोस्तों ज़रूर लाइक कर देना, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा ये YouTube चैनल इस मशीन के YouTube चैनल के मामले में नंबर 1 YouTube चैनल हो, और नंबर 1 कंटेंट दोस्तों हम आपको दें, नंबर 1 चीज़ें बताएं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको हम बताएं। हमारी यही आपसे उम्मीद रहती है। जैसे इसको हमने निकाल दिया, देखिए हमने निकाल दिया, ठीक है। इसको निकालने के बाद में इसको ऐसे साफ कर लेते हैं इसको। हमने इसको साफ भी कर लिया, और इसके बाद में चलो यार।
इसको हमने ऐसे करके इसमें लगा दिया, ठीक है, लगा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, पूरा अच्छे से एक एक स्टेप आप देखा करिए वीडियो को, तो तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को हम ज़्यादा काटते नहीं हैं, काटते छाटते नहीं हैं, हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से सभी लोग देखें, क्योंकि तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब जानकारी है, जिसको काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो न्यू हैं, इनको जानकारी नहीं है, तो सभी लोग के समझ में हमारी वीडियो आ जाएगी। हम देखिए लगा दिया है और इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेक करते हैं। सही है, वैल्यू सही दिखा रहा है। हम इसको फिट करेंगे, दोस्तों अगर आपको मोटर का काम सीखना है तो उससे अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, हम मोटर का काम सिखाते भी हैं, और आप घर बैठे जहाँ पे हैं वहीं पे ही आपको वहीं पे ही हम सिखा देंगे, ऐसी हमारे पास व्यवस्था है। तो अगर आपको सीखना हो मोटर का काम, मोटर के काम अगर आपको सीखने का मन है तो आप सीख सकते हैं, और इसमें आप अच्छे खासे पैसे इसमें कमा सकते हैं। तो देखिए पेंच ऐसे फिटिंग करते हैं इसका। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपको इतनी इम्पोर्टेंट मैं नॉलेज दे रहा हूँ, इतनी ज़रूरी नॉलेज दे रहा हूँ दोस्तों, ये पूरे YouTube की बात कर रहा हूँ, पूरे YouTube में कोई भी इतना अच्छे से नहीं बताता है। चाहे तो आप किसी और की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सही से नहीं बताएगा, बताएगा तो कुछ चीज़ें ना आपसे छुपा लेगा, कोई भी अगर आपको बताएगा तो कुछ चीज़ें आपसे छुपा लेगा जो आपको सही से जानकारी नहीं हो पाएगी उसकी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ भी ना छुपाएं। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लेना, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए इससे भी बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके लिए लाएंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, और आपको सिखाएंगे भी, ऐसा नहीं सिर्फ कोशिश ही करेंगे, आपको हम सिखाएंगे भी। तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता ही है। आपके लिए इतना सीक्रेट चीज़ आपको वीडियो बना के मैं दिखा रहा हूँ, इतनी सीक्रेट, क्योंकि कोई भी मैकेनिक कोई भी है ना जो ये मोटर का जो भी काम करते हैं वो किसी को भी नहीं बताते हैं, किसी को भी, जो पैसे भी देता है ना उसको भी नहीं। हमें भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आप मतलब हमें पैसे पे करते हैं और हमें सिखा देते हैं, हम सिखाते नहीं उनको, हम खुद नहीं सिखाते हैं, लेकिन पता नहीं हमारा ऐसा दिल किया कि हम यूट्यूब पे सभी लोग को सिखाएं, यूट्यूब पे वीडियो बना करके सभी लोगों को जानकारी दें और सभी लोग सीखें। दोस्तों हमने देखिए वीडियो इसको बोर्ड को फिट कर दिया है, सारे पेज अच्छे से टाइट करना है आपको, ठीक है, टाइट करने के बाद में दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर आपको कुछ भी मिस हो गया ना तो फिर आप कमेंट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही हो इस मशीन में तो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, उसका जवाब भी देंगे, कमेंट में आपको उसका जवाब भी देंगे। तो इसको यहाँ से इसको लगाना है और इसमें ऐसे करके इसको लगा देना, ठीक है।
और इसको ऐसे ही, इसको भी ये वाला पेज है देखिए, ये वाला पेज दिख रहा होगा आपको, इसको ऐसे ही फिट करना है। जैसे मैंने वो वाला पेज लगाया था IGBT में, सेम उसी तरीके से ये वाला भी फिट करना है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको दें, बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना के, बेस्ट से बेस्ट नॉलेज जो कहीं पे भी सॉल्व ना हो ना, उसे सॉल्व करके हम आपको दें। हमारी कोशिश ये रहती है और हमेशा ये कोशिश हमारी रहेगी। दोस्तों बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपसे बस इतनी ही उम्मीद है हमारी। इसको फिटिंग कर दिया इसको, और उसके बाद में इसको भी यहाँ पे लगाते हैं। देखिए इसको यहाँ पे लगाएंगे तार को, देखिए ध्यान से लगाइएगा लेकिन, और इसके बाद में इसको यहाँ पे लगाना है, इसको इस जगह पे लगाना है, ठीक है। तो इसको ये वाला पेज हम लोग खोल देते हैं, खोल करके यहाँ पे इसको लगाएंगे। दोस्तों इसको देखो फिट कर दिया हमने, और इसके फिट करने के बाद में इसको हम अच्छे से इसको फिट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया है। और इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, ये जो कवर है दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी आप काम करें, कभी भी अगर आपको ये मोटर वगैरह बनाना हो या कुछ भी करना हो, तो उसके सफाई ज़रूरी है, मतलब साफ़ सुथरा करके, साफ़ सुथरा मतलब करके ही काम करें, है ना, साफ़ करके उसको काम करें, जस्ट वस्ट जो भी हो उसको निकाल दीजिए। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको ये वाला पेच लगा दिया, और हमें ये वाला पेच भी यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। और इसके बाद में इसको यहाँ से ये वाला पेच भी लगा रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइएगा। हमने इसको फिट कर दिया, ठीक है, अब हम इसको मशीन में लगा करके एक बार फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम इसको मशीन में फिटिंग करेंगे, तो आपको ऐसे लगाना है, चाहे तो ये वाला तार खोल देना, इसको ऐसे करके यहाँ पर लगाना, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा और इधर कर देगा आपकी तरफ, और इसको करके इसको ट्रैक्टर को लगाना है, ठीक है। और इसके बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग करना है, ओके। और इसको यहाँ पे ऐसे करके पेंच दिख रहा है ना आपको,
इसके व्हील को भी टाइट कर देना। अब इसके थंब तार लगाते हैं। इसका तार देखिए इसमें लगेगा ऐसे करके, ठीक है। और इसको इसका स्केलेटर है पैडल, इसको हम लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद में हम इसको लगाएंगे तार बोल्ट में इसका, और इसके बाद में इसको हम लोग चलाएंगे यहाँ से। हम ऑन कर सकें, ऑन किया और उसके बाद में हम इससे चला रहे हैं हल्के हल्के से, ठीक है। एरर 6 आ गया इसमें। तो दोस्तों हमने जब इस मशीन का एरर 1 सॉल्व किया, जब मशीन चलाया तो हम लोग देख रहे थे कि मशीन ना डायरेक्ट चल रही थी, ये जो मशीन है डायरेक्ट चल रही थी, मतलब रुक नहीं रही थी। और उसके बाद में इसमें अचानक से एरर 6 आ गया, फिर हमने मुझे लगा कि वीडियो ना कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हमने एक काम किया, फिर वीडियो को पॉज किया और उसके बाद में ये सारे ने दोबारा से इसको खोला और उसके बाद में फिर लगाया, फिर इसमें एरर 7 और एरर 15 एरर 13 काफ़ी ज़्यादा एरर, मतलब ये शो करने लगी। उसके बाद में इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं था, इसके कनेक्टर वगैरह हमने सही से साफ़ करके फिर हमने लगा दिए, और उसके बाद में फिर ये मशीन सही चल रही थी। और इसके बाद में मैं आपको देखो कोई चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो जैसे हमने ये वाला व्हील है ना, इस व्हील को हम लोग खोलते हैं। देखिए हमने इस व्हील को खोल दिया, ठीक है। और खोलने के बाद देखिए ये खुल गया ना, चलाएंगे सर। क्या लिख के आया, ई सेवन आ गया ना। तो देखो अब हमने देखिए व्हील लगा रहे हैं इसका, हम इसका व्हील हम लगाएंगे अभी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जब भी व्हील लगाए ना अभी, तो इसका जो खांचा है ना, इसमें खांचा होगा एक। देखिए ये देखो एक बार, ये जो खांचा दिख रहा है, इस खांचे में फर्स्ट पेंच जो है ना, वो खांचे में फंसा लीजिए, ये वाला, ये फर्स्ट है ना, ये वाला, इसको से लगाना है और तब इसको फिट करना है। ऐसा नहीं करना कि किसी में भी फिट कर दो तो मशीन में ये प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए दोस्तों मैं कोई भी मशीन की वीडियो बनाता हूँ तो आपके सामने ही कोशिश करता हूँ कि पूरा पूरा जो भी हो आपके सामने ही, मतलब उसको सॉल्व करें, ताकि आप लोग भी इसमें कुछ सीखें। तो देखिए हमने ये वाला व्हील लगा लिया था, और व्हील लगाने के बाद में अब हम आपको मशीन चला के दिखाते हैं। ये हमारे हाथ में एक्सीलेटर है, अभी हमारी मशीन एकदम से ओके हो गई है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है और कोई मशीन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई मशीन ख़राब है और आप हमसे मशीन बनवाना चाह रहे हैं, मोटर बनवाना चाह रहे हैं, तो हमारी दुकान है लोकेश इलेक्ट्रॉनिक, गांधीनगर दिल्ली में। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम आपको हमारा नंबर चाहिए तो नंबर है 6393594261। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।